मॉर्निंग जी वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग जी आज है संडे और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है और जी सात बजे का टाइम है फ्रेंड्स आज थोड़ा सा मैं छुट्टी करके लेट उठी हूँ बच्चे तो और ही ज़्यादा लेट उठेंगे दस ग्यारह बजे तक तो एक दिन ही होता है चलो उनके पास बच्चे अच्छे से अपनी नींद पूरी कर लेते हैं तो जी देखिए फ्रेंड्स बस उठते ही जी फ्रेंड्स ये मैंने बस अपना ब्रश वग़ैरह किया है थोड़ा सा फ़्रेश हुए हैं और देखिए जो रात की हमारी आटा वगैरह बच जाता है तो एक मोटी सी रोटी बनाकर वो मैं इधर बाहर रख दूँगी जब कूड़े वाले भैया आएंगे तो वो अपनी गाय वग़ैरह के लिए उन्हें मैं दे दूँगी तो फ्रेंड्स ये देखिए बाहर से कितना अच्छा सुबह का व्यू होता है देखिए मैंने पुदीना धनिया सब कुछ ये लगा रखा है तो ये देखिए जी कितना अच्छा लग रहा है बाहर से बस मौसम अब की बार तो ऐसा है ना तो पूरी गर्मी आई है और ना ही मतलब ठीक सा ही है बस ज़्यादा गर्मी भी नहीं है तो इधर जी कर्टन वगैरह सारे साइड में कर दिए हैं बाहर बालकनी का भी मैंने साइड में कर दिया है क्योंकि बाहर से अंदर फिर फ्रेंड्स लाइटें वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती बाहर से रोशनी अच्छी आती है और ड्राइंग रूम में भी इधर मैंने कर्टन साइड में कर दिया है और ये देखिए जी ड्राइंग रूम यहाँ पे मैंने अपना आर्ट गैलरी रूम बना रखा है सारा मैंने यहाँ जो मैं क्राफ्ट की वीडियो डालती हूँ और इधर देखिए इसी रूम में ही सामने हमने कैमरा भी देखिए लगा लिए हैं चार कैमरे हैं घर पे वो है ना फ्रेंड्स पीछे से मैं रहती हूँ तो ये होता है ना ऊपर फिर सारा कुछ नीचे का वो रहे बाहर का पीछे का वो चो जाता है बैठे बैठाई हमें पता लग जाता है कि गेट खोलना है या नहीं है तो बच्चे बुच्चे जाने के बाद पीछे से बस ये सारा कुछ मेरे को ही देखना पड़ता है तो इधर जी अब फ्रेंड्स सबसे पहले उठकर बस मैं अपना नहाऊंगी जोतबत्ती वगैरह करूंगी उसके बाद हम नाश्ते वगैरह की तैयारी करेंगे तो आज संडे है और जी संडे को बड़े वाले बेटे को उठाया है इसने अपना अपने दादू के साथ मेडिसिन लेने जाना है क्योंकि इसको बड़े वाले को थोड़ा सा साइनस की प्रॉब्लम है तो इसकी होम्योपैथी की दवाई चल रही है फ्रेंड्स तो ये हिसार के पास है वहाँ से लेकर आते हैं संडे को ही पंद्रह बीस दिन के बाद इनको जाना पड़ता है तो ये दादू के साथ अभी जाएगा तो वीर के लिए बस मैं टोस्टर वगैरह बनाऊंगी तो संडे को तो फ्रेंड्स बच्चे ये होता है ना थोड़ा सा अलग ही खाते हैं बो, बोलते हैं कि सारा दिन आप हमें क्या रोटियाँ रोटियां देते रहोगे तो थोड़ा सा मैं इस चीज़ का मौका ही नहीं देती सुनने का तो जी बस आज मैं ब्रेड की तैयारी और फ्रेंड्स नाते ही सुबह सुबह मेरी पाँच दस मिनट जोत बत्ती हो जाती है और इधर देखिए ड्रेसिंग के पास ही फ्रेंड्स ये बाथरूम है इसमें ये ऑटोमेटिक ये मशीन लगाई हुई है तो इधर ये भी मैं लगा देती हूँ क्योंकि ये भी सुबह सुबह हमारा काम हो जाते हैं उसके बाद पूरा दिन हम आराम से फ्री होते हैं एक बार उठने की ही ढील होती है वैसे बच्चे जाते हैं तो मैं छः बजे उठती हूँ बस थोड़ा सा संडे के दिन थोड़ा सा लेट हो जाता है तो जी इधर बस बच्चे पहले शुरू शुरू में अभी हस्बैंड वगैरह बच्चे वगैरह सो रहे हैं बस वीर को उठाया बड़े वाले को छोटा सो रहा है पापा के साथ और ये देखिए प्याज छोटे छोटे चॉप कर लिए हरी मिर्च कर ली और आलू के टोस्टर बनाने हैं तो कुछ वीर साथ लेकर जाएगा और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट भी कर लेगा तो हम माँ बेटे बस ये वीर अभी उठ बस लेकर आया शॉप से दूध भी बस आ गया है जी और फ्रेंड्स इस तरह देखिए पिट्ठी सी बना लूँगी और ये फिर हम टोस्टर में अच्छे से बना लेंगे तो जी बस वीर नहाने गया है इतने बस मैं ये तैयारी कर रही हूँ और ये देखिए अच्छा हो जाता है फ्रेंड्स ये होता है ना थोड़ा सा बच्चों को होता ही है सैटरडे संडे होता है भी आ, हम थोड़ा सा कुछ अलग अलग खाएं या तो कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करें आ, या फिर घर पे हो इस तरह का तो जी बस मैं घर पे ही आ, बना लेती हूँ बच्चों को बाहर का कमी मतलब अवॉइड ही करते हैं तो जी इस तरह बस वीर रेडी हो गया है और मैं इधर उसको टोस्टर और चाय बनाकर दे रही हूँ तो बस फ्रेंड्स कुछ इसके साथ पैक कर दूँगी इधर मैंने दूध में पत्ती रख दी है तो बच्चों को बस ठीक है जी ना तो एक सुबह सुबह दूध पीने का भी मन नहीं होता तो मैं दूध में पत्ती सी ही डाल देती हूँ तुलसी अदरक वगैरह डालकर तो ये जी बस बन चुके और कटोरी बाटी में मैंने डाल दिया क्योंकि चाय जल्दी ठंडी हो जाती है थोड़ा सा तो इधर बस फ्रेंड्स सारे सोए होते हैं तो फटाफट से ये वीर चला जाएगा जल्दी और ये देखिए दूध भी मैं सारा अभी बॉयल कर लूँगी और ये बॉयल हो जाएगा तो हमारा लेडीज़ का ये होता है कपड़ों कपड़ों का नहाने धोने का सारा काम निबड़ जाता है तो फिर आराम से दोपहर में क्योंकि संडे के दिन कोई काम समझ नहीं आता अगर हम थोड़ा सा लेट उठ जाते हैं और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इनका टोस्टर सॉरी सैंडविच काफ़ी अच्छे बने हैं और दूध बॉयल हो जाएगा फिर मैं इसे ढक दूंगी और देखिए फ्रेंड्स आठ बज चुके हैं घंटे में मैंने सारा काम निपटा लिया है और इधर वीर अंदर बस ये बैठ अपना ब्रेकफास्ट ले रहा है और उधर हस्बैंड uh, मेरे लेटे हुए हैं और मैं देखिए सारा मेरा एक बार हो चुका है सारी मैंने तैयारी कर ली जब उठेंगे बाप बेटे वो वो भी नाश्ता ले लेंगे इतने मैंने सेल्फ को अच्छे से क्लीन कर लिया है तो नीचे थोड़ा बहुत कूड़ा गिर जाता है तो सोच रही हूँ बस जी आज संडे को फ्रेंड्स वाश मशीन वगैरह धोती हूँ और दोनों बाथरूम फ्लश वगैरह भी मैं धो दूंगी और फिर दीदी आएगी दोपहर तक बारह एक बजे तक क्योंकि वो भी लेट आती है जो सफाई करते हैं दीदी क्योंकि उनको पता है कि संडे को सारे लेट ही उठते हैं इसलिए थोड़ा सा वो भी अपना टाइम उन्होंने भी लेट का ही है रखा हुआ तो जी बस ये ऊपर की फ्रेंड संडे को भी मैं अपनी बेड शीट्स भी चेंज कर देती हूँ दोनों रूम की क्योंकि बच्चे ये अलग से मैं मैट वग़ैरह भी रखती हूँ फिर भी थोड़ा सा खाने पीने में थोड़ा सा बच्चे कर ही देते हैं तो संडे का ऐसा रूटीन रखा हुआ है संडे को बाथरूम वगैरह फ्लशिंग वगैरह हो जाती हैं वाश वगैरह और जी अच्छे से क्लीनिंग तो डस्टिंग तो मैं हल्की फुल्की तो एक बार सारे ही रोज़ डेली में करती हूँ कर अपने अच्छे से और जैसे अच्छी ज़्यादा मतलब जाले जूले झाड़ने होते हैं और है थोड़ा डीपली करनी हो तो वो फ्रेंड्स मैं महीने में या पंद्रह बीस दिन से कर लेती हूँ तो जी यही है हम खुद तो नहा धो लेते हैं ये है ना बैठने की जगह भी हमारी अच्छी होनी चाहिए ना साफ़ सुथरी खुद के नहाने से भी क्या होता है तो जी एक बार आ, ये नहीं है मैं अब ये काम वाली पे भी डिपेंड करूँगी भी वो जब आएगी तभी करेगी तो नहीं जी उससे पहले भी आ, मैं अच्छे से अपना नहा धोकर सुबह सुबह ये मेरा नियम ही है बस झाड़ू झूड़ू लगाना क्योंकि बड़ा बड़ा कूड़ा होता है रात को थोड़ा सा घर में से थोड़ा क्लीन हो जाता है तो जी एक बार सारा बस इकट्ठा कर दूंगी यहाँ अंदर से ले जाते हो बाहर तक बालकनी तक ड्राइंग रूम और डस्टिंग वस्टिंग हो जाती है सारी तो मेरे को एकदम अच्छा लगता है साफ सुथरा फिर हमें बैठने का मन होता है तो ये जी छोटे वाला भी उठ चुका है तो बस ये झाड़ू सी थोड़ी आगे करूँगी सारी बाहर तक निकाल दूँगी तो ये जी दोबारा देखिए अब खाने का टाइम हो चुका है वीर चला गया है तो ये हस्बैंड और ये छोटे वाला उठ चुका था दस साढ़े दस का टाइम है तो बस जी मैं इनको इनके साथ खुद भी चाय लूँगी और इनको भी ब्रेकफास्ट दूँगी हमें भी फ्रेंड्स दो ढाई घंटे हो जाते हैं तो बस थोड़ा सा ऐसे लग जाता है भूख सी चाय की सुबह सुबह होता है भी थोड़ी सी चाय लें तो बस जी मैं इनके पास बैठी हूँ और बाप बेटे ये खाई जा रहे हैं और मैं भी बस एक फ़ैन और एक थोड़ा सा ले लिया हल्का फुल्का सा और उसके बाद जी बस कपड़े कुपड़े सुखाने हैं वो भी मशीन चल ही रही है हमारी तो ये मेरा सुबह का सारा रूटीन है सब्जी आ गई बीच में थोड़ा सा सब्ज़ी ले ली है तो आजकल काफ़ी अच्छी सब्जियां आ रही हैं और देखिए कच्ची अम्बी तो बहुत ही अच्छी आ रही है और अगले महीने तक देखिए वो राम किला आम है जो जिसका हम अचार डालते हैं वो भी आ जाएगी और फ्रेंड्स इधर फाइनली ये रह गए मेरे कपड़े कुपड़े तो सारे सोए हुए हैं तो इतने दोबारा से फिर लेट गए हैं दोनों बाप बेटे तो मैंने सोचा है फट फटाफट मैं अपने कपड़े सुखा दूँ क्योंकि यहाँ ज़्यादा धूप आती है तो फिर आ, हमें भी दिक्कत होती है काम कुम करने में तो ये होता है फ्रेंड्स सुबह सुबह के सारे काम हमारे जल्दी जल्दी निपट जाते हैं तो जी ये है देखिए आजकल फ्रेंड्स साथ काम करेंगे और देखिए बातें भी करेंगे तो ये सारा काम हो चुका है जी और इधर देखिए मुझे इस चीज़ की तो सुखाई होगी कैमरा लगने से कि मैं एकदम गेट खोलने से पहले नीचे जाती हूँ तो देख लेती हूँ अच्छे से वॉच कर लेती हैं कि क्या कुछ कौन है गेट पे खोलना है नहीं खोलना क्या चीज़ है तो बस फ्रेंड्स एक मैंने ये थोड़ा सा अपने थंबनेल देखा होगा कि मैंने आपसे यही बात शेयर करने की, आ, की है कि देखिए इस तरह मैं फ्रेंड्स वैसे डबल एम ए बी एड की हुई है तो मैंने देखिए बच्चे छोटे थे जॉइंट फैमिली में मैरिज होन करके बस मैंने स्टडी पे इतना फ़ोकस ही नहीं किया ध्यान ही नहीं किया और देख देखिए जॉइंट फैमिली में ऐसे ही होता है कई बार तो अब ये पहले फिर कहीं से ये सुनने को मिलता था कि लोग बंदे की मजबूरी नहीं समझते तो कुछ ये सुना देते थे कि ना जैसे मैंने शादी के बाद एम ए की तो एम ए बी एड मैंने और आर्ट एंड क्राफ्ट का मैंने शादी से पहले ही डिप्लोमा किया हुआ था तो बस जी वो होता है ना शादी के बाद बस बच्चे फैमिली हो जाती है फिर थोड़ा सा लेडीज थोड़ा सा लड़कियाँ वो हो जाती है पजल सी कुछ का होते हैं जॉइंट फैमिली में साथ मिल जाता है कुछ की जिम्मेवारियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती है तो मेरा थोड़ा सा गैप ही चल लग गया पढ़ाई में फिर बस बच्चे हो गए दोनों बेटे हो गए इनको संभालने में और फिर मैं इधर ध्यान ही नहीं दे पाई तो कुछ ऐसे सुनाई देते थे कि एम की भाई डिग्री आई है तो आप ये करो जी इसको तो आप तो किचन के आगे ही टांग लो आपने करना तो काम ही है तो फ्रेंड्स ये कोई ज़रूरी नहीं है देखिए अगले की आप मजबूरी समझिए भी कैसा कैसा टाइम होता है देखिए एक कपा अपने पेरेंट्स के घर होते हैं ना मम्मी होती है हमारी माँ होती है जो हमें बिना कुछ करे ही देखिए हम सुबह सुबह बैठ सकते हैं और अपने घर में हम ससुराल में ये चीज़ नहीं होती अब देखिए आपके सामने सारा काम किया है ये तो नहीं कि सुबह सुबह सात आठ बजे हम पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे देखिए इतना थोड़ा सा टाइम लेने के लिए भी हमें डर लगता है कि क्यों ना हम ना भी देखिए कोई ऐसे बुरा ना माने कि सुबह सुबह बैठ गई तो सारा काम निपटा कर ही देखिए बैठते हैं तो अब की सोचा है फ्रेंड्स बी की हुई है सी टेट का टेट का मैंने ये एग्ज़ाम देना है तो थोड़ा सा वीडियो पे भी मैं कम ही ध्यान दे रही हूँ पहले आपने देखा ही होगा लगातार वीडियोस डालती थी मैं क्राफ्ट वगैरह की ब्लॉग वगैरह भी अब थोड़ा सा मैं क्या चलो थोड़ा सा तैयारी की जाए तो जी अब बच्चे चले जाते हैं थोड़ा फ्री हूँ तो मैंने फिर सोचा है अपनी किस्मत को एक चांस देने का तो जो भी मैं व्लॉग वीडियो डालती हूँ आप भी फ्रेंड्स थोड़ा सा मुझे साथ दीजिएगा इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की है ये बात वीडियो को लाइक किया करो शेयर किया करो जितना को मुझे टाइम लगता है ये नहीं है हाँ चैनल छोडूंगी हाँ ज़रूर मैं वीडियो डालूंगी तो जी बस ये थोड़ा घंटा डेढ़ घंटा पढ़ने के बाद मैं एक क्राफ्ट की वीडियो भी डालूंगी तो